व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत के प्रभाव दिव्य होते हैं। हम बात कर रहे हैं पापांकुशा एकादशी की। अगर किसी वजह से आप आज श्रीहरि के पद्मनाभ स्वरूप की उपासना न भी कर पाए तो भी कुछ बातों का ध्यान रखकर इस दिव्य तिथि के शुभ प्रभावों का लाभ उठा सकते हैं। ये कैसे मुमकिन होगा, खुद ही देखिए। पापों से मुक्ति की एकादशी। श्री हरि की भक्ति की एकादशी। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, जो विश्व के कण कण में हैं। संपूर्ण विश्व श्री विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। श्री हरि निर्गुण निराकार और सगुण साकार सभी रूपों में व्याप्त हैं। पापांकुशा एकादशी के दिन वातावरण में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे में मन अपने आप ही शांत और सात्विक रहता है। लेकिन जब बात आती है एकादशी के व्रत की तो सावधानी भी जरूरी है। व्रतों में शास्त्रों में बताया गया कि व्रतों में एकादशी सबसे उत्तम व्रत बताया गया है। और व्रत में जिस जैसा कि आया है कि 8 चीज करने का वर्जित है, जिसमें कि दिन में सोना और किसी भी व्यसन काम को नहीं करना चाहिए, जैसे खैनी पान सुरती आदि नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जूठा फल नहीं खाना चाहिए, जूठा पानी नहीं पीना चाहिए और पान नहीं खाना चाहिए। इन सब सावधानियों को बरतना चाहिए और इस प्रकार से व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखकर भी आप इस दिव्य तिथि के शुभ फल पा सकते हैं। तो देखिए पापांकुशा एकादशी पर किन बातों का ध्यान रखने से होगा आपका कल्याण। पापांकुशा एकादशी की सावधानियां। शाम के बाद चावल तला भुना या मसालेदार भोजन ना करें। आज सूर्यास्त के बाद केवल फलाहार या जलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। पापांकुशा एकादशी पर रात के समय पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। क्रोध ना करें, कम बोले और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। तो पापांकुशा एकादशी से जुड़े क्या होंगे वो महाप्रयोग जिनसे श्रीहरि की कृपा आपके जीवन को मंगलमय कर देगी, गौर से देखिए। पापांकुशा एकादशी के महा उपाय। भगवान विष्णु या कृष्ण जी के मंदिर में बांसुरी भेंट करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शाम के समय श्री सूक्त का पाठ करें। भगवान श्री हरि की पूजा में केसर, पीली मिठाई, नारियल, आंवले और तुलसी का प्रयोग करें। कहते हैं श्री हरि को सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से पुकारा जाए तो वो जरूर मदद को हाथ बढ़ाते हैं। जगत के पालनहार आपका कल्याण जरूर करेंगे। इसमें भगवान विष्णु का एक मंत्र आता है, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगभिलधान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सरलोकैकनाथम। ये भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का मंत्र है, जिसका आशय होते कि भगवान का जो आकार है शांत चित्त है और वह गरुण पर हमेशा विराजमान रहते हैं, अपने भक्तों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे मंत्रों का ध्यान करके भगवान विष्णु का जब हमेशा निरंतर ध्यान को अपने हृदय में लगाना चाहिए। श्री हरि तक अपनी भावना पहुँचाने का जरिया सिर्फ पूजा उपासना मात्र नहीं है, बल्कि उन्हें याद करने के लिए उनके विशेष मंत्रों का जाप करना भी जरूरी होता है।